बोकारो के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बिजुलिया गांव में दो लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। राशन दुकानदार और उसके सहयोगी का शव खून से लथपथ पड़े हुए मिले। दोनों लोगों की हत्या किसी धारदार हथियार से कर दी गई है। दोनों का चेहरा भी कुचल दिया गया है। शव की स्थिति हत्यारों के गुस्से व दरिंदगी को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। बोकारो के चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बिजुलिया गांव में दो लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। राशन दुकानदार अरुण कुमार अपने सहयोगी फटिक धीवर के साथ मंगलवार रात दुकान में ही सोया था। बुधवार सुबह देर होने पर घर के लोग दोनों को जगाने पहुंचे तो दुकान के अंदर दोनों खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़े हुए थे। दोनों लोगों की हत्या किसी धारदार हथियार से कर दी गई है। दोनों का चेहरा भी कुचल दिया गया है। शव की स्थिति हत्यारों के गुस्से व दरिंदगी को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। घटना की सूचना आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। देखते ही देखते घटनास्थल पर भीड़ जुट गई। परिजनों की चीख पुकार के बीच बोकारो SP चंदन कुमार झा, चास SDPO पुरुषोत्तम कुमार सिंह, चास मुफस्सिल थानेदार अजय उपाध्याय मौके पर पहुंचे। बहुत ही जघन्य और नृशंस हत्या की गई है और ये दिखलाता है कि राज्य के अंदर कानून व्यवस्था का कितना गिरता हुआ स्तर है। कल जिस तरह से एक विधायक के ऊपर नक्सलियों का हमला हुआ और आज चंदन कह रहे जैसे शांत इलाके में जहां हम लोग यहां कोई क्राइम नहीं, ऑर्गेनाइज कोई क्राइम है ही नहीं। लगभग दो साल पहले 2019 के अंदर ऐसे ही एक हत्या यहां पर हुई, इसी सेम इसका भी नेचर इसी तरह का था और ये हत्या लगातार दूसरी बार, उसका कोई अनुसंधान में कोई उसका रिजल्ट नहीं आया, उसका कोई हम लोग को जानकारी नहीं मिला कि भाई किसने क्या क्या किया। आज एक अच्छी बात यह है कि पुलिस थोड़ी संजीदगी दिखा रही है, लग रहा है कि फोरेंसिक टीम बुला करके और सारी चीज़ों को लेकर अनुसंधान को सही दृष्टिकोण में ले जाने का ऐसा लग रहा है, लेकिन यह अनुसंधान तब तक पूरा नहीं माना जा सकता जब तक कि आपराधिक के गिरेबाज तक के कानून का हाथ ना पहुँचे। और ये चंदन क्यारी में जिस तरह से डिटोरेट हुआ और जिस तरह से इस पूरे क्षेत्र में ये जो कानून की विधि व्यवस्था है वो संधारण करने में यहाँ की पुलिस जिस तरह से अक्षम साबित हो रही है, चोरी की घटनाएं भी बढ़ी है, मोटरसाइकिल लगातार लूटे जा रहे हैं, चोरी हो रही है पूरे चंदन क्यारी क्षेत्र में। आप देखेंगे तो मोटरसाइकिल की चोरी की घटनाएं कितनी तेज़ी से बढ़ी है। साथ ही साथ इस तरह की हत्याएँ ये कहीं ना कहीं गाँव में दहशत पैदा करता है जहाँ किसी का कोई मतलब ही नहीं, साधारण नागरिक है, किसी तरह नौकरी करके खाता है, केवट है जो मछली बेच करके खाता है, रात में सोया और उसकी हत्या किस कारण से किन परिस्थितियों में और क्यों की गई और किसके द्वारा की गई है, ये सारे प्रश्नों का जवाब पुलिस को खोजना होगा। तब जा करके इस क्षेत्र में लोगों का जो है वो जो लोगों की एक डर है और भय का जो माहौल बना है इससे वो निकल पाएंगे और साथ ही साथ कानून व्यवस्था पर भी विश्वास पैदा होगा। जिस तरह से घटना FSL टीम व डॉग स्क्वाड टीम के साथ पुलिस वैज्ञानिक तरीके से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। फिलहाल इस दोहरे हत्याकांड की वजह व हत्यारों का पता नहीं चल पाया है। वहीं दोहरे हत्याकांड की निर्ममता को सुलझाने में पुलिस जुटी हुई है। वहीं बोकारो के चंदन क्यारी के भाजपा विधायक अमर बावरी भी मौके पर पहुंचे जहां कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए झारखंड सरकार को कानून व्यवस्था को लेकर कटघरे में खड़ा किया। दो लोग अरुण माथा और फटिक नेवर से यहां पर हत्या की गई है। हत्या के कारणों का हम लोग अभी पता कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गल्ले का जो पैसा है वो वहां से गायब है, तो चोरी के प्रयास में ये घटना को अंजाम दिया गया। हम लोग सभी बिंदुओं पर भी जांच कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड की टीम हमारी आने वाली है, फिंगरप्रिंट वाली टीम आ रही है, टेक्निकल टीम आ रही है। हम लोग कांड का उद्भेदन करेंगे और जो भी लोग होंगे उनको गिरफ्तार करेंगे। मारा है क्या लग रहा है? किसी धारदार हथियार से लग रहा है या तो टांगी से मार करके दोनों के सर पर हत्या कर किसी से लोगों का पुराना विवाद भी था। अभी सभी बिंदुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं, जमीन वाले बिंदु पे भी अगर किसी से विवाद है जो भी चीज़ें उनसे अभी उनके लड़के ने बताया तो हम लोग सारे बिंदुओं पे भी जांच कर रहे हैं। पैसे के अलावा और कुछ भी लेके गए हैं क्या? प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि कोई और सामान यहाँ से। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। प्रथम दृष्टया चोरी को लेकर हत्या का मामला लग रहा है, लेकिन अगर अन्य मामले भी होंगे तो उस पर भी पुलिस तहकीकात करेगी। आपसी रंजिश के मामले को भी पुलिस देख रही है, अन्य बिंदुओं पर भी छानबीन की जा रही है। जल्द ही हत्यारोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए बोकारो से विश्वकर्मा भारती की रिपोर्ट।